व्यवहार में, व्यवहार से कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में आए हो तो व्यवहार तो आपको करना ही करना होगा, लेकिन व्यवहार में मुझे भूल जाना ये महापाप है। आर वी नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज? हम व्यवहार तो निभा रहे हैं लेकिन परमात्मा को भूल गए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते पाप है। कहना की जीत उड़ गई, थोड़ा रोए, लेकिन मां ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लगे हुए हैं। उसी वक्त बिटिया पूतना को कुछ ही दिन पहले भगवान ने मारा था, उनका भाई बदला लेने के लिए शक्तासुर आ गया है, आगे तो गाड़ी के ऊपर बैठ गया है, थोड़ा सा उनको मचाया, भगवान को सोए हुए तो नहीं थे, जग रहे थे। अतएव नीचे से गाड़ी को अपना पांव जोर से मारा, गाड़ी उल्टी कर दी, गाड़ी उल्टी करती तो शक्तासुर नीचे आ गया, दूध दही सब कुछ बिखर गया, शक्तासुर की मृत्यु हो गई। संत महात्मा देवी यहां समझाते हैं, कहते हैं जिनको ऊपर बिठाना चाहिए उनको नीचे बिठाओगे तो एक ना एक दिन गाड़ी उठ के जाएगी। जीवन की गाड़ी बिटिया, कौन सी गाड़ी? जीवन की गाड़ी। यदि परमात्मा को आपने प्रमुखता ना दी, उसको आपने कौन बना के रखा, उसको गाड़ी के नीचे रखा, तो एक ना एक दिन टांग मारेंगे और गाड़ी के ऊपर टूटी करेंगे। मानो हमारे जीवन में अशांति रहेगी, हमारे जीवन में उदासी रहेगी, हमारे जीवन में भय बना रहेगा। That's what our life is. जीवन में तनाव रहेगा, क्यों? हमने बेटा भगवान को प्रमुखता नहीं दी। जिस दिन से आप भगवान को प्रमुखता देने सचिव देनी शुरू कर दोगे, जीवन बदल जाएगा, उसे बदलने की जरूरत बदलना चाहिए। ऐसे तो जीवन तनाव भारी जीवन रहेगा, उदास जीवन रहेगा, हर वक्त अभाव भरा जीवन जो है रहेगा, चिंता लगी रहेगी, कुछ न कुछ भय एक खत्म नहीं होगा दूसरा। क्या करना चाहिए, क्या अर्थ है इसका कि भगवान को प्रमुखता? स्वामी जी महाराज बड़ा साधारण सा सिंपल सा साधन कहते हैं, जितना अधिक राम राम जपोगे उतना परमात्मा महसूस करेंगे कि ही इज क्लियर इन फ्रंट यू, आपके जीवन में उतनी प्रमुखता आएगी। याद किसको किया जाता है? जिससे प्रेम हो। सिर्फ सभी बिटिया बात, यदि प्रेम संसार से हो मेरी माता तो संसार याद आएगा। आप ध्यान में बैठ के देख लो, आप मंत्र में आके देख लो, आप कथा सुनने जाओ, कहीं भी जाओ, आप ध्यान उसी का आएगा जिससे प्रेम है। यदि संसार से प्रीति है तो संसार याद आएगा। ध्यान के वक्त भी मंत्रों में जाते भी, गुरु महाराज के पास जाते भी, आपकी एक ही फरमाइश होती है, एक ही मांग होती है, हमें संसार चाहिए, हमारे जीवन में ये कमी है, ये पूरी होनी चाहिए, है ना बिटिया? एक ही काम है, मानो प्रीति संसार से है। अधिक से अधिक देवी राम राम जपोगे तो आपकी प्रीति का केंद्र बदलेगा, प्रीति परमात्मा की ओर मुड़ेगी। इसी को कहते हैं प्रमुखता, परमात्मा को देने। अभी तो प्रमुखता है संसार को दे रहे हो, फिर दुख से कैसे बच सकते हो, उदासी से कैसे बच सकते हो, चिंता से कैसे बच सकते हो, भय से कैसे बच सकते हो, अधूरेपन से अभाव से कैसे बच सकते हो? कोई नहीं देवी बचाने वाला। आप सोचते हो ये सब जो कुछ लोग आपको कहे हैं, पति आपको बचा देगा इन लोगों से? कभी नहीं। बहन बचा देगी, सास बचा देगी, पुत्री बचा देगी, पुत्र बचा देगा? कभी नहीं। वो स्वयं ही इन लोगों से ग्रस्त है तो दूसरों को क्या बचाएंगे? आपको उसी को ढूंढना पड़ेगा जो इन लोगों से रहित है, वह है परमात्मा। उस परमात्मा को देखिए, सचिव प्रमुखता दीजिएगा। वेरी सिंपल टेक्निक, स्वामी जी महाराज शेष अब राम राम हर वक्त जपते रहो भाई। इससे क्या होगा स्वामी जी, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं यहां आए हैं तो सपोजिटली वेरी इंटेलिजेंट पीपल, मान्य प्रश्न होगा, इससे क्या होगा? देखिए सचिव बहुत सिंपल शब्दों में आपसे यह अर्ज की जा रही है, इस वक्त हमारे कर्म परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं है,
इस वक्त हमारे कर्म क्रोध के प्रेरित, ईर्ष्या से प्रेरित, अभिमान से प्रेरित, स्वार्थ से प्रेरित, अन्याय अत्याचार से प्रेरित, मोह से प्रेरित कर्म। अब राम राम जपने से बिटिया, जब आपको परमात्मा अपने अंग संग महसूस होने लग जाएगा, किसलिए जप रहे हो? यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। मात्र मैकेनिकल रट नहीं है राम 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 राम। यू हैव ए पर्पस बिहाइंड इट एंड यू शुड हैव पर्पसेस बिहाइंड इट। क्यों आप राम राम जप रहे हो? यू शुड फील दैट ही इज विद मी, ही इज विद इन मी, ही इज विदाउट मी। सर्वव्यापक है, आपको महसूस होना चाहिए। सुना हुआ है ना आपने, आप एक दूसरे को बिटिया राम राम बोलते हो, मम्मी हो, सुबह उठते हैं राम राम मम्मी, मम्मी आगे आपको जाओ बिटिया राम राम। क्या अर्थ है इसका? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। यू आर रिमाइंडिंग, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। ये बात यदि आप इस प्रकार से करते हो, पर्पस आप राम राम क्यों जप रहे हो? इसलिए कि ये हमें बोध हो, आप में भी राम है, मेरे में भी राम है। परमात्मा को अपने अंग सम्मानोगे सत्य, तो आपके कर्म का प्रेरक राम बनेगा। राम राम जपते जपते कहो, परमात्मा देव मेरे जीवन का संचालन अपने हाथ में लो। जैसे आप जी ने अर्जुन के रथ को हांका, जीवन रथ की डोरी मैं आपको सौंपता हूं, मेरे जीवन रथ की डोर आपके हाथ में है, मेरे जीवन का संचालन कीजिएगा। अब बेटा आपके कर्मों का प्रेरक परमात्मा होगा, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष नहीं। उससे क्या हानि है, इससे क्या लाभ है? राजा हरिश्चंद्र हुए, उनके पिता राजा कृष्ण को आपने कहानी सुनी होगी। महर्षि विशिष्ट के पास गए, जाके कहा मैं शिष्य स्वर्ग जाना चाहता हूं। गुरु महाराज समझ गए अहंकार पर रहा है, ये अहंकार से प्रेरित कर। बिटिया मैं विधान के विरुद्ध, परमेश्वर के विधान के विरुद्ध, मैं शरीर शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूं। महर्षि विशिष्ट ने शिष्य को मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। महर्षि विश्वामित्र के पास गए, राजा जानता है किससे काम लिया जा सकता है। महर्षि विश्वामित्र के पास जाके कहने लगे मैं से शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, मुझे बिछाइएगा। बड़े तपस्वी विश्वामित्र को शक नहीं, मैं बिछाऊंगा। काश राजा संत के पास सत्संगति के लिए गया हो, अपने गुरु को नीचे दिखाने के लिए गया है। ये अहंकार प्रेरक लक्षा कर, अहंकार देखो ईगो क्या क्या करवाता है। अपने गुरु को नीचा दिखाने के लिए राजा कृष्ण को दूसरे गुरु के पास गए हैं, विश्वामित्र के पास गए हैं, ताकि इसको नीचा दिखा सके। तुम मुझे शरीर बहाने भेज सका तो देख विश्वामित्र मुझे शरीर स्वर्ग में भेजेंगे। भेज दिया, राजा कृष्ण को स्वर्ग चले गए। विधान के बिल्कुल विपरीत देवी अतैव देवताओं ने धक्के मार के नीचे फेंक दिया। नो, यू कैन नॉट बी अकोमोडेटेड, आप गलत ढंग से आता हो, स्वर्ग में ऐसे कोई नहीं आता। धक्का देके मारा। कहते हैं देवी सच में त्रिशंकु का मुख नीचे पांव ऊपर, नीचे धन का मुख नीचे, सिर नीचे और पांव ऊपर। महर्षि विश्वामित्र को याद किया, गुरुदेव मुझे बचाओ, फिर अपनी तपस्या नष्ट करी। महर्षि विश्वामित्र ने वहीं को वहीं रोक दिया। देवियों जो राजा त्रिशंकु के मुख से लार टपकी, उल्टा मुख था, लार टपकी, उससे एक नदी का उद्गम होता है, जिसका शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना होगा, करुणाशा नदी।
बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में छोटी सी एक नदी है। डॉक्टर साहब कहना है, मान्यता है, इस नदी में गलती से भी कोई पांव डाल देता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में बिटिया स्नान करो, जमुना जी में स्नान करो तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, है ना मान्यता? इस नदी में यदि गलती से भी कोई पांव डाल देता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसी लाल अर्थात लालसा, लाल बिटिया कहते हैं ना, क्यों अपनी लार उस पर टपका रहे हो, मानो क्यों उसके लिए ललायक हो रहे हो, क्यों उस चीज को पाने के लिए आपके अंदर ये कामना ये लालसा जगी है। संत महात्मा देखिए सच में क्या समझाते हैं, जिस कर्म का विस्तार प्रेम